यीशु वचन सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रणाम और स्वागत करता हूँ। आज का चर्चा का विषय है, अंग्रेज में कहते हैं डू नॉट वरी, और दूसरा है सीक द किंगडम ऑफ गॉड। तो पहला हम मनन चिंतन करेंगे, चिंता हमारे जीवन में कितनी महत्व रखता है, क्या हम चिंता करनी चाहिए। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी वरदान है, हमारी भोजन से बढ़कर है, हमारे वस्त्र से बढ़कर है, जिसके बारे हम हमेशा चिंता करते हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में भोजन और कपड़े के बारे में चिंता भरा हुआ है, वह क्रिस्तीय या विश्वासी अपने क्रिस्तीय जीवन में ईश्वर के राज्य के ऊपर महत्व नहीं दे सकता है, क्योंकि वह जब इंसान के जीवन में साधारण चीज़ों के बारे में, भोजन और कपड़े के बारे में चिंता बनी रहती है, तो महत्वपूर्ण चीज़ें जो ईश्वर के राज्य है उसके बारे में हम कभी महत्व नहीं दे सकते हैं। और इसलिए हमारा केंद्र बिंदु साधारण चीज़ों के बारे में नहीं, जो भोजन और वस्त्र से जुड़ा हुआ है, मगर हमारा चिंता, हमारे केंद्र बिंदु महान चीज़ों के ऊपर होना चाहिए, और वह है ईश्वर के राज्य। क्योंकि हम जानते हैं जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। हम चिंता करने से हमारे जीवन का एक आयु, एक मिनट जीवन हम बढ़ा नहीं सकते हैं, और इसलिए हमें चिंता करने से क्या लाभ है। उल्टे में जब हम चिंता करते हैं वह हमारे जीवन को छोटा बना देता है। एंग्जाइटी ब्रिंग्स ओल्ड एज टू सून, इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 वचन 26 में, ईर्ष्या और क्रोध जीवन के दिन घटाते हैं, और चिंता समय से पहले ही किसी को बूढ़ा या बूढ़ी बना देती है। यदि ईश्वर खेतों के फूलों को इतने सुंदर सजाता है जो एक दिन जीवित रहता है, सवेरे उठकर शाम तक आग में लुप्त हो जाता है, यदि ईश्वर इन सभी साधारण चीज़ों को इतनी सुंदर सजाते हैं, क्या हमें ईश्वर अपना प्रतिरूप में बनाकर हमारी ख्याल नहीं करेगा। क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर हमारी ख्याल नहीं करेगा। और इसलिए जब हम इस साधारण चीज़ों के बारे में चिंता करते हुए ईश्वर के राज्य की खोज में नहीं लग रहते हैं, या इसका प्रतीक है कि हमारा विश्वास कितने छोटा है और कितने कमजोर है। और इसलिए कहा जाता है चिंता अविश्वासियों का प्रतीक है, अविश्वास ही चिंता करते हैं। और जो व्यक्ति विश्वास करता है और पिता ईश्वर को अब्बा पिता कहता है, और जब वह ऐसी व्यक्ति अविश्वास करता है तो चिंता करता है, तो ईश्वर के प्रति हमारा अविश्वास को दर्शाता है। और इसलिए विश्वासियों को जीवन जीना चाहिए वर्तमान समय में, भविष्य के बारे में सोच कर नहीं, क्योंकि हमारा भविष्य ईश्वर के हाथों में सुरक्षित है। और
कल के दिन अपना ही समस्याओं को लेकर आएगा, और इसलिए वर्तमान समय में हम किस प्रकार अच्छी तरह जीवन जी सकते हैं उसके बारे में हमें विचार करना है। इसलिए स्रोत ग्रंथ अध्याय 118 वचन 24 में वचन हमें बताता है, यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। और एक बार सुनाता हूँ, स्रोत ग्रंथ 118 वचन 24 में हम पढ़ते हैं, यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु के दिन में आनंद मनाएं, क्योंकि यह हमारे लिए स्वर्ग का दिन जैसा है। प्रभु यीशु हमारे जीवन का हेड है, पहला स्थान देखते हैं। प्रभु का दिन यानी साबत डे, आनंद मनाने का दिन है। प्रभु यीशु मेरा मुक्तिदाता है, मेरा शासन करता है, और इसलिए प्रभु में मेरा आत्मा उन्नत करे और अच्छे स्वास्थ्य में रहे। और प्रभु में होने के नाते मैं उन बुराइयों से मुक्ति पाऊं जो मेरे आत्मा को पाप में डाल सकता है। ईश्वर की कृपा उनके आत्माओं को हमेशा ईश्वर के अधीन रखे, ईश्वर के अधीन रखें उन सभी लोगों की आत्माओं को जो प्रभु में बने रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ है, पोप स्वामी पोप जॉन 23 एक बार रोम शहर में सेमिनेरी लोगों को विजिट करने के लिए, मिलने के लिए जाते हैं। हालांकि पोप स्वामी अच्छी तरह जानते हैं कि वह कैंसर की बीमारी से पीड़ित है और वह जल्दी ही मरने वाले हैं, और वह सेमिनेरी लोगों से मिलकर यही बातें की, माय डियर स्टूडेंट्स एवरी डे इज ए गुड डे, हर एक दिन अच्छे दिन है, ए गुड डे फॉर लिविंग, ए गुड डे फॉर डाइंग, जीने के लिए अच्छा दिन है और मरने के लिए भी अच्छे दिन है। मरने का दिन भी अच्छा है करके पोप स्वामी क्यों कहते हैं, कैसे कह सकते हैं? और इसलिए वह कह सकते हैं, वे प्रतिदिन को ईश्वर के द्वारा दिया हुआ आनंद का दिन के रूप में उसे स्वीकार करते हैं। और इसलिए हम भी, जैसे वचन कहता है, यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए। ईश्वर के साथ हर दिन को आनंद के साथ बिताने के लिए हमें प्रयास करना है। और जब हम विश्वास करते हैं कि विश्वास के द्वारा हम प्रतिदिन और हर व्यक्ति में अच्छाइयों को पहचान सकते हैं, जैसे पोप स्वामी ने हर दिन को अच्छा दिन, जीने का दिन, मरने का दिन, हर दिन को अच्छा दिन स्वीकार करते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं पहला पेत्रुस अध्याय 5:7 में वचन कहता है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर छोड़ दो, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हम हर एक व्यक्ति अपने प्रतिदिन का चिंताओं को व्यक्तिगत या पारिवारिक, वर्तमान या भविष्य, स्वयं की या अन्य लोगों की, हर चिंताओं को प्रभु के हाथ में छोड़ना है। यदि हम इन सभी चिंताओं को हमारे सर पर लेते हैं तो वह हमारे लिए एक बोझ बनकर हमें जीवन को दबा लेता है, और वह न केवल चिंताएं हमारे जीवन में एक बोझ बनकर रह जाता है, वह एक पाप का प्रतीक भी है, क्योंकि वह ये सभी चिंताएं अविश्वास के कारण हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। अविश्वास के कारण जब हम चिंता करते हैं, यह एक पाप है, क्योंकि यह सभी चिंताएं हमें बहुत परेशान करती है और हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करती है, विचलित करती है,
और हम सबों को अपना कार्य करने से रोकता है। हमारा कार्य में हम सबों को कार्य करने के लिए हम सबों को अयोग्य बनाता है, और न केवल अयोग्य बनाता है, हम सबों को ईश्वर की सेवा आनंद से करने से हमें रोकता है। देव बिकम ए हिंड्रेंस, वरीज बिकम हिंड्रेंस इन आवर सर्विस टू द लॉर्ड। आनंद पूर्वक ईश्वर की सेवा करने में हमारी चिंताएं एक बाधा बनकर, आड़ा बनकर हमारे जीवन में आ जाती है। और इसलिए इन सभी समस्याओं के लिए एक ही रास्ता है। व्हाट इज द रेमेडी? रेमेडी यही है कि हम अपनी सारी चिंताओं को ईश्वर के हाथों में दे दें, क्योंकि ईश्वर अपने ज्ञान और बुद्धिमानी से अपनी ही योजना के अनुसार हमारे जीवन में आने वाले सभी चिंताओं को सुलझाता है और मार्ग दिखाता है। क्योंकि हम यह विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर की योजना हमेशा सही है, और मानव के हर समस्याओं को वह जवाब देती है और सही रास्ता दिखाती है। कभी कभी हम देखते हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, गॉडली पीपल, विश्वास करने वाले भी, जब अपने जीवन में चिंताएं आती हैं, वे डगमगा जाते हैं और गुनगुनाने लगते हैं और अपने आप को कमजोर बना लेते हैं। और इसलिए हमारे सभी चिंताओं को हमें यीशु को देने की जरूरत है। आपको मालूम है यदि आप हफ्ते भर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हम कितने थक जाते हैं। हफ्ते भर के काम करने के बाद जब हम चिंता चिंता थक जाते हैं, हम एक दिन चिंता करने से एक हफ्ता के बराबर काम करने के बराबर थकावट हमारे जीवन में आ जाती है। मतलब एक दिन की चिंता है हमें इतनी कमजोर बना सकती है कि हमें काम करने से हमें बाधा बनते हैं, रुकावट डालते हैं। और इसलिए हम अविश्वासी नहीं और विश्वासी बनकर अपने सारी चिंताओं को यीशु के हाथ में देना है। यह ऐसे नहीं कि हमारे जीवन में चिंता नहीं है, चिंता जरूर आएगी, मगर ये चिंताओं को हमें यीशु के हाथों में देना है। वह अपनी बुद्धिमानी से, विजडम से, वह सभी प्रकार की चिंताओं को सही रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है। आगे चल कर हम देखेंगे, संत पौलुस कहते हैं फिलिप्पी 4:6 में वचन कहता है, किसी बात का चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने निवेदन प्रस्तुत करें। और एक बार मैं पढ़ता हूँ, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने निवेदन प्रस्तुत करें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम दुनियादारी के बारे में चिंता ना करें, हम अपने संपत्ति के बारे में, हमारे परिवार के बारे में हमें चिंता करना है, मगर चिंता इतनी करनी चाहिए जहां हम ईश्वर के राज्य को ना भूलें। और चिंता है हमें ईश्वर के राज्य से दूर नहीं करना चाहिए, और इसलिए जब चिंता आती है हमें ईश्वर पर निर्भर रहना है। इसलिए वचन कहता है, हर जरूरत में, हर चिंताओं में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करें। और जब हम ईश्वर पर निर्भर रहते हैं, हमारे चिंताओं को ईश्वर मुक्त करता है और हमें स्वतंत्र बनाता है। आगे चलकर हम देखेंगे, पहला तिमोथी 5:8 में वचन कहता है, जो अपने संबंधियों की, विशेषकर अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका है और अविश्वासियों की तरह विश्वासियों के से भी बुरा है। तो इसके द्वारा वचन हमें बताते हैं, संत पौलुस हमें बताते हैं, जो लोग अपने ऊपर निर्भर है, जैसा कि जीवन निर्वाह के लिए परिवार के जन, पत्नी, बच्चे या हमसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें उपलब्ध कराना, आवश्यक सभी चीज़ों को उपलब्ध कराना आपका काम है, हर विश्वासियों का काम है।
और इसलिए परिवार की सभी जरूरतों को हम पहले से सोचना चाहिए और उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए, देना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं ईश्वर हम सबों के पिता है और वह हमारी सारी मानव जाति की चिंता करता है और वह आखिरी मौका तक नहीं रुकता है। मनुष्य के लिए आवश्यक है भरपूर अनाज, मौसम की बदलाव, ठंडी मौसम, गर्म मौसम, बरसात की मौसम, अलग अलग मौसम बनाया है ताकि मनुष्य को हर समय अति आवश्यक सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। यह है हमारे स्वर्गीय पिता अपने सारे मानव जाति जो उनके बच्चे हैं उनके बारे में। तो ईश्वर ने भविष्य में जरूरत पड़ने वाले सभी बातों को चिंता की और उन्हें निर्माण किया है। उसी प्रकार हमारे एक व्यक्ति जो माता पिता है या अधिकारी है जिनके ऊपर बहुत से लोग निर्भर है जीवन निर्वाह के लिए और उचित मात्रा में जीवन के लायक सभी जरूरतों को उन्हें प्रदान करना है और प्रदान करने के लिए सोचना है। जैसे स्वर्गीय पिता हमें हमारे बारे में सोचे, हमें आवश्यक दुनिया की सभी चीज़ों को प्रदान किया, वैसा हमें पहले से सोचना है और उन्हें निर्वाह के लिए योगदान करना है। आगे चलकर यीशु हमें बताते हैं यूहन के सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 में, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो, क्योंकि यीशु ने इसलिए कहा, प्रेरितगण बहुत घबराए हुए थे क्योंकि यीशु ने उन्हें बताया था कि वह उन्हें जल्दी ही छोड़कर जाने वाले हैं और इसलिए वे अपने प्यारे दोस्त के बिना जीवन जीना है और इसलिए अत्याचार सभी समस्याओं को अकेले वे सामना करना है और प्रभु यीशु के बिना उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। वे एहसास करते हैं उनके पास पैसा नहीं है, उनके लोग दोस्त नहीं है, यीशु के बिना उनके जीवन में कोई आदर सम्मान नहीं है और इसलिए उन्होंने जो भी योजना बनाई है भविष्य के बारे में उन सभी बातें नष्ट हो गई है और इसलिए वे घबरा गए हैं। इसलिए यीशु कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। आगे चल के यीशु हमें बताते हैं 6:33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी ही चिंता स्वयं कर लेगा, आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। आपको मालूम है प्यारे भाई तो बहनों, फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड देयर इज ओनली वन क्योर। दुनिया की सभी समस्याओं के लिए एक ही दवाई है और वह दवाई है कि हम ईश्वर के राज्य के बारे में सबसे पहला सोचें और हम अपने ही आत्मा के बारे में सबसे पहले सोचें। यानी हम अपने जीवन में प्रतिदिन के जीवन में अपने धर्म को या ईश्वर को, ईश्वर के राज्य को हमारा बिजनेस जैसा बना लेना चाहिए। मतलब बिजनेस के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफ उठाते हैं, वैसे हमारे जीवन में ईश्वर के राज्य पहला स्थान रखना चाहिए। ईश्वर संबंधी बातों में अपने जीवन में रुचि दिखाना चाहिए। यदि आप ऐसे बात सुनकर ही कहेंगे भूखे रहने के लिए ये एकमात्र रास्ता है, यदि हम अपने बिजनेस जैसा ईश्वर के राज्य के बारे में सोचेंगे क्या हम भूखे प्यासे नहीं मर जाएंगे? मगर ईश्वर का वचन कहता है ऐसा नहीं है, यू विल बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट यू नीड। यदि आप विश्वास करते हैं तो सब कुछ आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर की आज्ञा भी है कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु के नाम से ईश्वर के राज्य के लिए पहला स्थान दें, क्योंकि जब हम अपने प्रतिदिन का जीवन के द्वारा, प्रतिदिन के प्रार्थना के द्वारा जब हमें शक्ति मिलती है कि आने वाले सभी समस्याओं को, प्रलोभनों को जीतने के लिए और सामना करने के लिए, और इसलिए हमारे एक व्यक्ति
ईश्वर के वचनों को सत्य समझकर उसे स्वीकार करना है और उनमें विश्वास करना है। आगे चलकर हम देखेंगे लेवी ग्रंथ अध्याय 25, 20 और 21 में वचन कहता है, यदि तुम पूछो कि सातवें वर्ष हम ना तो बीज बोएंगे ना फसल काटेंगे तो हम क्या खाएंगे, तो जान लो कि छठे वर्ष मेरे आशीर्वाद से पहले तीन वर्ष के लिए पर्याप्त होगी। इन्हें वचन कहता है, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें ऐसी भोजन अनाज मिल जाएगी तुम तीन वर्षों तक ज्यादा खाते रहोगे। यही होता है जब हम ईश्वर के राज्य के लिए पहला स्थान देते हैं, ईश्वर संबंधी बातों में रुचि दिखाते हैं, ईश्वर हमें कभी भूखे प्यासे सोने नहीं देगा। इसलिए यह एक आश्वासन है, अश्योरेंस फ्रॉम गॉड, एक चमत्कार दिखाकर लोगों को प्रभु के राज्य के बारे में सोचने के लिए, कार्य करने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए हमें पहला स्थान देने के लिए ईश्वर हमें बुलाता है। और इसलिए वचन कहता है, जान लो कि छठे वर्ष मेरे आशीर्वाद से फसल तीन वर्षों के लिए पर्याप्त होगी। यदि हम पूरे एक साल बीज नहीं बोएंगे, फसल नहीं काटेंगे, फिर भी ईश्वर का वचन कहता है मेरी आशीर्वाद से ना केवल तुम एक साल मगर तीन साल तक पर्याप्त मात्रा में आपको अनाज मिलेगी ईश्वर के आशीर्वाद से। और इसलिए जब हम अपने धर्म को, ईश्वर संबंधी बातों को रुचि दिखाकर उसमें पहला स्थान देते हैं, ईश्वर के खोज में लगे रहते हैं, तो हम कभी भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। और इसलिए हमारे विश्वास के द्वारा, हमारे त्याग के द्वारा, हमारे ईश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारित्व द्वारा हम जीवन में कोई नष्ट नहीं पाएंगे मगर भरपूर आशीष हमें मिलता है। हालांकि यह बात अविश्वासियों के लिए मूर्खता लगेगी मगर विश्वासियों के लिए एक सुरक्षित मार्ग है जब हम ईश्वर के राज्य के लिए ढूंढते हैं और अपने जीवन को समर्पण करते हैं। आगे चलकर हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी अध्याय 4:8 में वचन कहता है, शरीर के व्यायाम से कुछ लाभ तो होता है किंतु भक्ति से जो लाभ मिलता है वह असीम है क्योंकि वह जीवन का आश्वासन देगी इस लोक में भी और परलोक में भी। बॉडीली एक्सरसाइज, जो शारीरिक व्यायाम हम करते हैं, संत पौलुस हमें यहाँ बताना चाहते हैं ना केवल जो हम कसरत करते हैं, इसके अलावा जो बॉडीली व्यायाम का मतलब है, जो हम फास्टिंग एंड परहेज जो रहते हैं, उपवास जो हमें रहते हैं, लोग इसे धर्म का एक अति आवश्यक अंग मान लेते हैं। और उपवास के द्वारा हमारे शारीरिक रूप से हमें कुछ लाभ तो मिल सकता है और वे सोचते हैं कि यह हमें पवित्रता के रास्ते में अभी आगे एक ले चलेगी। मगर जब तक हम शारीरिक उपवास जो हम करते हैं, अपने करप्ट पैशंस जो हमारे शरीर में, दिल में, मन में जो बुरी इच्छाएं हैं, यदि हमारे उपवास इन सभी बुराइयों को दमन नहीं करता है, हमारे जीवन से बाहर नहीं निकालता है, हम सबों को पवित्र नहीं करता है, मतलब यह शारीरिक उपवास जो हम करते हैं हमारे आत्मा में ये गहरा असर करना चाहिए, हमारी बुराइयों को हमें त्याग कर पवित्रता में ले चलने के लिए, हमारी आत्मा को ईश्वर के समान बनाना चाहिए, तभी यह शारीरिक कसरत जो हम करते हैं, उपवास और परहेज हमारे जीवन में कोई महत्व रखता है। नहीं तो उपवास और परहेज यदि हमारे आत्मा में कोई असर नहीं डालता है, हमारी बुराइयों को त्यागने में हमें मदद नहीं करता है, उपवास से कोई लाभ नहीं, कोई आशीष नहीं। और इसलिए हमारे एक व्यक्ति जो उपवास करते हैं, अभी कुछ ही दिनों में उपवास का दिन करने वाले हैं, 40 दिन उपवास परहेज रहेंगे, यह हमारे जीवन में आत्मा में सही असर करना चाहिए। आत्मा में असर करने का मतलब है हम में विद्यमान उन सभी बुराइयों को हमें निकाल कर फेंकना चाहिए, हमें पवित्र बनाना चाहिए और हमारी आत्मा को
सुंदर बनाना चाहिए ईश्वर के लिए, तभी शारीरिक व्यायाम से हमें लाभ होगा। और जब हम इस प्रकार व्यायाम करते हैं, हमें जरूर आनंदमय जीवन, खुशीमय जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करता है। श्रोत ग्रंथ आगे चलकर हम पढ़ेंगे, श्रोत ग्रंथ अध्याय 37 वचन 24 और 25 वचन हमें बताता है, वह मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थाम लेता है। मैं जवान था और अभी बूढ़ा हो चला हूँ, किंतु मैंने ना तो धर्मी को निसहाय पाया और ना उसके संतान को भीख मांगते देखा है। मतलब ईश्वर की आशीष दुनिया के सभी चीजों में मोस्ट एंजॉयबल, आनंदमय है, उल्लासमय है, इससे बढ़कर कोई वरदान नहीं है। यदि हम इस सच्चाई से विश्वास करते हैं, हम फिर क्या कहें, धन भी वो दुनिया के कोई भी चीजों के पीछे नहीं दौड़ेंगे। ईश्वर अपनी कृपा और आत्मा द्वारा हमारे विचारों को सही दिशा दिखाता है और सही चीजों को प्यार करने के लिए हमें प्रेरित करता है और अच्छे लोगों को ईश्वर की ओर ले जाने के लिए एक मार्ग है। ईश्वर अपनी आत्मा और कृपा द्वारा कठिन मार्ग को समतल बना देता है। और जैसे पिताजी अपने बच्चों के हाथ पकड़कर ले चलता है, वैसा ईश्वर हमारे हाथों को लेकर हमारे जीवन में आगे बढ़ाता है, पाप से गिरने से बचाता है, समस्याओं से गिरने से हमें बचाता है। इसलिए वचन कहता है, वह मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थाम लेता है। जब हम विश्वासी बनकर ईश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए प्रयास करते हैं, ईश्वर हमारे हाथों को थाम लेता है और हमें कभी भूखे प्यासे रहने नहीं देता है। हमारे जीवन में किसी बात की जरूरतों के अभाव नहीं होगी और ईश्वर हम सबों को अपने दुश्मनों के हाथों से हमें बचाता है। आगे चलकर हम देखेंगे शोक के गीत वचन 3 अध्याय 3 वचन 25 में हम पढ़ेंगे, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु की खोज में लगे रहता है, उसके लिए प्रभु दयालु है। जो प्रभु की खोज में लगे रहता है, अभी हम देखते हैं ईश्वर की खोज करना है और इसलिए वचन कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखकर उसके खोज में लगे रहता है, उस पर ईश्वर दया करता है। मतलब ईश्वर की दया सबों के लिए हमेशा उपलब्ध है। आपके लिए ईश्वर की दया उपलब्ध है, कैसे? प्रतिदिन जब हम नया सवेरा देखते हैं, जब हम नया दिन में उठते हैं, यह ईश्वर की दया का प्रतीक है। दुनिया में कितना भी चीजें क्यों ना हो, वे सब लुप्त हो जाएंगे, बट गॉड इज ऑलवेज रिमेनिंग द, ईश्वर हमेशा बने रहते हैं और ईश्वर के खोजने वालों के लिए संतृप्ति हमेशा मिलती है और सांत्वना मिलती है और वे आर सेटिस्फाइड अपने जीवन में, हम संतृप्त होते हैं। आगे चलकर हम पढ़ेंगे इसाईयास का ग्रंथ अध्याय 24 वचन 9 में वचन कहता है, मैं रात को तेरे लिए तरसता हूँ, ये मेरे ईश्वर, मैं अपनी सारी आत्मा से तुझे कोसता हूँ। जब पृथ्वी पर तेरे नियमों का पालन होता है, तब उसके निवासियों को पता चलता है कि न्याय क्या है। जी हाँ, आनंद और स्तुति के साथ हम हरेक व्यक्तियों को ईश्वर की खोज में लगे रहना है और जब हम ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं, इट इज नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम एट ऑल, इट इज नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम एट ऑल। प्रभु के लिए जब हम इंतजार करते हैं, जब हम प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, यही है हमारे जीवन में सबसे सही रूप से इस्तेमाल किया हुआ समय है, इट इज नॉट ए वेस्ट। और इसलिए यदि प्रभु की आगमन हमारे जीवन में, प्रभु की खोज करते समय, प्रभु के पाने के लिए देरी होता है, तो आप चिंता ही मत कीजिए, उतना ही अधिक मात्रा में ईश्वर की दया हमारे ऊपर उमड़ पड़ता है और ईश्वर हमें आनंद से भर देता है।
और क्रूसित प्रभु यीशु अपने सामर्थ्यवान हाथ से हमें बचाने में, मुक्ति देने में सामर्थ्य है। उन्हें खोजना, यीशु को खोजना और उनके शरण जाना हमारे सबों का सबसे पहला कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, हमारे हर एक व्यक्तियों के विश्वासियों का फर्ज बनता है, उनके शरण में जाना, उनकी खोज करना। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कोलोसियों के पत्र अध्याय 3:12 में संत पौलुस हमें बताते हैं, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, तो ऊपर की चीजों की खोज में लगे रहे, आप पृथ्वी पर के नहीं ऊपर की चीजों के चिंता क्या करें। जी हाँ, हम सभी जन प्रभु में विश्वास करने के कारण, प्रभु में बपतिस्मा लेने के कारण, हम यीशु ने हम सबों को पाप की जाल से हमें मुक्ति दिलाया है, और इसलिए हम हर एक व्यक्ति सुसमाचार के अधीन रहकर यीशु के साथ चलने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम देखते हैं जैसे स्वर्ग और पृथ्वी कितने एक दूसरे से दूर है और विपरीत है, और इसलिए हम दोनों का अनुसरण नहीं कर सकते हैं एक ही समय में। और यदि हम धरती को, दुनियादारी को प्यार करते हैं, हमारा प्यार नेचुरली स्वर्ग की ओर कम हो जाएगा। यदि हम ईश्वर संबंधी बातों में ज़्यादा रुचि दिखाकर समय बिताते हैं, फिर दुनियादारी पर हमारे प्यार कम हो जाएगी। वी कैनॉट लव बोथ हेवन एंड अर्थ, इक्वली प्रॉपर प्यार नहीं कर सकते हैं। एज हेवन एंड अर्थ आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर, बोथ कैनॉट बी फॉलोड एट द सेम टाइम, और इसलिए अफेक्शन टू वन विल वीकन द अफेक्शन टू द अदर। हम सब दोबारा जन्म लिए हैं और इसलिए पाप का असर हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, और इसलिए प्रभु यीशु और हमारे बीच में एक गहरा संबंध है। प्रभु यीशु क्रिस्त के मृत्यु के कारण, उनके मृत्यु में विश्वास करने के कारण, और जैसे प्रभु यीशु स्वर्ग में जीवित है, और हम सबों के लिए भी इसी प्रकार स्वर्ग के लिए हमें जीना है, और हमारा स्वर्गीय पिता के साथ रहने के लिए और स्वर्गीय की चीजों की खोज में लगे रहने के लिए हम निरंतर लगे रहना चाहिए। इसलिए वचन कहता है, आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए हमारा यीशु जहां है वहां हम भी एक दिन पहुंचेंगे, इसलिए हम सबों को यीशु के बारे में सोचें। इसलिए वचन कहता है, तो ऊपर की चीजों की खोज में लगे रहें, पृथ्वी पर की नहीं ऊपर की चीजों की चिंता करते रहें। आगे चलकर हम पढ़ेंगे लूकास अध्याय 11 वचन 9 में, वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं मार्ग मांगो तुम्हें दिया जाएगा। लूकास 11:9 में वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें ढूंढने की जरूरत है, मांगने की जरूरत है, और खटखटाने की जरूरत है। यदि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को तुरंत जवाब देता नहीं देता है, तो जरूर ही विल आंसर इन ड्यू टाइम, उपयुक्त समय पर ईश्वर हमारे ढूंढने का, मांगने का, खटखटाने का जवाब देगा। इफ यू कंटिन्यू टू सीक, यदि लगातार हम ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं, हमें मांगना है तो हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा यदि हम में आने से ना केवल हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाएगा, पवित्र आत्मा ही सभी वरदानों का पूंजी है, पवित्र आत्मा ही सभी वरदानों का खजाना है, और इसलिए जब हम प्रार्थना में ढूंढते हैं, मांगते हैं, खटखटाते हैं, यीशु से हमारी यही प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। यदि हमें पवित्र आत्मा उपलब्ध है, मिल जाता है, तो हमने जीवन में सब कुछ पा लिया है, और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम ईश्वर को जान सकते हैं और हम अपने आप को भी अच्छी तरह पहचान सकते हैं। और जब हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है, हमें पश्चाताप करने के लिए वरदान मिलेगा, पवित्र आत्मा में विश्वास करने के लिए वरदान देता है, और पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु को प्यार करने के लिए हमें सिखाता है।
और इसलिए हम इस प्रकार जीवन में बी कंफर्टेबल इन द वर्ल्ड, दुनिया में जीने के लिए हमें सरल पड़ता है और जीवन के हर क्षेत्र में हम आनंदी आनंदी को अनुभव करेंगे। और यह सभी आशीष ईश्वर हमें देने के लिए तैयार है जब हम उनसे मांगते हैं, जब हम उन्हें ढूंढते हैं। और इसलिए हमारे ईश्वर की खोज में लगे रहने के कारण हमारे जीवन में उत्सुकता चाहिए, बुद्धिमानी से ईश्वर को ढूंढना है और उस खोज में हमें बने रहना है। और जब हम ईश्वर की इस प्रकार खोजते हैं, उत्सुकता के साथ बुद्धिमानी से बने रहते हैं, हमारे जीवन में नम्रता चाहिए, वी नीड ह्यूमिलिटी एंड सिंसियरिटी। जब इन सभी चीजों के साथ ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर हमें जरूर देता है। और हमें प्रार्थना में उन सभी चीजों के लिए प्रार्थना करना चाहिए जिसे यीशु हमें देने के लिए वादा किया है। ईश्वर ने क्या चीजों को हमें देने के लिए वादा किया है? सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए पवित्र आत्मा के लिए। हम प्रार्थना करने चाहिए जो ईश्वर के राज्य के लिए और हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो। द स्पिरिचुअल थिंग्स व्हाट गॉड हैज प्रॉमिस्ड। सबसे पहले ईश्वर ने हमें देने के लिए वादा किया है फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, पाप क्षमा के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी आत्माओं को बचाने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और सभी समस्याओं में गॉड होल्ड्स अ हैंड, ईश्वर को हमारे साथ ले चलने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और ईश्वर हमें अपने मृत्यु के समय आश्वासन दिया है, हमें कंफर्ट देने के लिए, ईश्वर हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करने के लिए और ईश्वर की सुसमाचार की घोषणा के लिए। ये सब वरदान ईश्वर हमें मांगने के लिए प्रेरित करता है जब हम पवित्र आत्मा से संचालित है। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए और आज के वचनों के लिए जो ईश्वर ने हमें समझाया है, हमें चिंता ना करने के लिए और ईश्वर के राज्य के खोज में लगे रहने के लिए हम प्रार्थना करें। ये सर्व शक्तिमान दया सागर ईश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन सुनने वाले सभी भाई बहनों को आपके दिल के द्वार पर समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ। ये करुणा सागर पिता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इन सभी भाई बहनों को जीवन से हर प्रकार की चिंताओं को दूर कीजिए, क्योंकि हम चिंता करने से अपने जीवन की आयु नहीं बढ़ाते हैं मगर घटाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर हम सबों को आपके प्रति विश्वास में मजबूत बनाइए। और दूसरी बात, हम प्रार्थना करते हैं करुणा सागरेश, इस प्रकार चिंताओं से दूर रहकर हम अपने जीवन में निरंतर आपके राज्य की खोज करते हुए अपने ही आत्मा को, न केवल अपने आत्माओं को, सारी मानव जाति की आत्मा को बचाकर स्वर्ग में पहुंचाने के लिए सबों को शक्ति और कृपा दे। ये वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।